हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर लेके आए भैया। अप्रैल महीने का करंट चल रहा है तो डेली की प्रकार से डेली आती है भैया करंट के, डेली आपको एक वीडियो मिलता है, उसी क्रम में आज भी लेके आ गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको हम लेके आते हैं, और क्वेश्चन को जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है उन क्वेश्चनों को हम लेके आते हैं भैया। तो बात करें सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद साहब है। ये 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, ठीक है ना? ये मतलब घूमने गए हैं दूसरे देश, ठीक है ना? तो कहां पर गए हैं आपको पता होगा, नीदरलैंड। कहां गए हैं? नीदरलैंड। और नीदरलैंड किस कहां पर है तो आपको पता है यूरोप महाद्वीप में। नीदरलैंड कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है। तो पूछा जाएगा 3 दिवसीय यात्रा के लिए राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी कहां गए हैं, तो आप बता देना नीदरलैंड गए। कहां गए हैं? नीदरलैंड। और आपको पता है राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर है, तो अरावली पर्वत पर है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में बना है अरावली पर्वत पर है, और अरावली पर्वत का दिल्ली में नाम रायसीना पहाड़ी होता है। क्या होता है? रायसीना पहाड़ी। तो राष्ट्रपति जो भवन बनाया गया जिसको एडविन लुटियन ने बनवाया था वो कहां पर है? दिल्ली में। किस पर्वत पर है? रायसीना, मतलब पहाड़ी का नाम रायसीना पहाड़ी और पर्वत का नाम होगा अरावली पर्वत। तो यहीं पर रहते हैं रामनाथ कोविंद साहब, और ये कहां गए हैं? नीदरलैंड घूमे उमे गए हैं, ठीक है ना? तो घूमने 3 दिवसीय यात्रा पर गए नीदरलैंड। ठीक, अगला हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में असल बात बच्चा है चुनाव। क्या है? चुनाव। जयराम ठाकुर की सरकार है इसलिए बड़ा चर्चा में चल रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश खूब योजनाएं ला रहा है। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 मतलब 8 पास करके कक्षा 9 में जैसे प्रवेश लियो तुमको वहां भगवत गीता पाठ्यक्रम में किसको शामिल कर दिया गया? भगवत गीता को शामिल कर दिया गया है। मतलब कक्षा 9 में जाइयो तो गीता के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो बहुत अच्छी चीज है ये, पहल हमको भी अच्छी लगी, क्योंकि गीता का ज्ञान जिसको हो जाता बच्चा वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं होता, कभी भी असफल वो नहीं हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने भैया ये नियम लगा दिया, कक्षा 9 में जाने के बाद आपको क्या पढ़ना होगा? गीता पढ़ना होगा। कक्षा 9 में जो सिलेबस का हिस्सा बन गया कौन बन गया? भगवत गीता बना दी गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 100% कोविड का जो टीका लगा रहा, 100% टीकाकरण पूर्ण करने वाला पहला राज्य कौन बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। मतलब सबके टीका लग गए रहे, ठीक है ना? पूरे हिमाचल प्रदेश में 100% टीकाकरण करने वाला राज्य कौन बना था? हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी युक्त, मतलब हिमाचल प्रदेश में कहो घर में चूल्हे में खाना नहीं बनता है, सबके यहाँ गैस सिलेंडर में खाना बनना है, मतलब लकड़ी वकड़ी जलाए खाना नहीं बनता है, यहाँ सबके यहाँ गैस कनेक्शन हो गया। तो 100% एलपीजी युक्त कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश रोजगार देने के लिए लाई है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये कहाँ चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश। हमने कहा चुनाव है ना, और चुनाव है तो योजनाएं चलेंगी भैया, ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा कहला रणगौड़ है ना, रणगौड़ पर्व कहाँ मनाया गया? तो देखो ये मनाया एमपी में भी जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। इस पर्व में, इस त्योहार में होता क्या है? तो भगवान शंकर और उनकी पत्नी पार्वती माता की पूजा की जाती है बच्चा। तो ये किससे जुड़ा हुआ होगा? राजस्थान से। और हमने कल के वीडियो में आपको बताया था राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवला देवी। क्या नाम है? केवला देवी। केवला देवी को पच्छियों का स्वर्ग कहा जाता है। साइबेरिया से जो पक्षी आते कहां रुकते हैं? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में रुकते हैं। तो पूछा जाएगा पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवला देवी। और पक्षी वैज्ञानिक या पक्षी मैन के नाम से है ना, बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता? तो सलीम अली को जाना जाता है। किसे जाना जाता? सलीम अली को जाना जाता है। तो हमने बताया था केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में बामो तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये बामो तकनीक कहां की है? अफ्रीका की है। और चेतन, हमने बताया था चेतन जो हिरन होता है उसको पकड़ने के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए तकनीक अपनाई जाती है। तो ये कहां शुरू की गई थी? राजस्थान के कहां से भैया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान से। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। राजस्थान के बारे में बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और सुंदर है भैया है ना, जयपुर है प्रधान। यहाँ के भैया बात किया जाए सीएम कौन है? पीएम नहीं भाई, सीएम कर लो। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत साहब है। ये कांग्रेस से है, कांग्रेस से है, सबको पता है, ठीक है ना? और यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र है। आपको पता होगा अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार वितरित किए गए जिसमें एक नाम आता है पद्म विभूषण
में कल्याण सिंह का, बाबूजी जिसे बोलते हैं, बाबूजी भी कहां के राज्यपाल हुआ करते थे कभी, तो राजस्थान के हुआ करते थे। इनसे पहले कौन थे? कल्याण सिंह थे भैया, है ना। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते, कह रहा हाँ, मैतूर या मैटूर गांव बोलते हैं इसी को। बात क्या जाए, ये मैटूर गांव जो है ये एकमात्र गांव है जहां बोलचाल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया चीज है भैया, इस गांव में मतलब संस्कृत का प्रयोग, खाने पीने बोल चाल पूरा गांव, लगभग 300 परिवारों का गांव है और इस पूरे गांव में केवल संस्कृत ही भाषा बोली जाती है, ना अंग्रेजी ना हिंदी ना उर्दू ना फारसी, पूरा गांव साधारण। बातचीत करना है तुमसे, कुछ मांगना है तो संस्कृत में कहेगा, तुमसे कुछ बातचीत करनी तो संस्कृत, मजाक करेगा संस्कृत, पढ़ाई करेगा संस्कृत में। इस पूरे गांव में क्या केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। तो ये भारत का पहला गांव है और ये कहां पर है, तो कर्नाटक राज्य में है। ये कहां है? कर्नाटक राज्य का गांव है जहां 100% लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कृत, है ना। छोटा सा गांव है लेकिन संस्कृत पूरे गांव में बोली जाती है, बड़ा चर्चा में रहा है कर्नाटक का गांव है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार, है ना। चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है 2021 का किसे? आरिफा आरिफा जौहरी को मिला है। आरिफा जौहरी क्या है बच्चा? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और ये क्या है? पत्रकार है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है 2021 का, है ना, आरिफा जौहरी को मिला है। अब यहां से कोडिंग इंडियन बाबू ड्रोन, है ना, ड्रोम है ना बाबू ड्रोम है, ठीक है ना। या ये पुस्तक है, ये क्या है बच्चा? पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है ये पूछा जाएगा, तो अश्विनी श्रीवास्तव की है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पुस्तक किसकी है, तो अश्विनी श्रीवास्तव की है। एग्जाम में पूछी जाएंगे सभी पुस्तकें, तो अश्विनी श्रीवास्तव की ये पुस्तक है बच्चा। आपको पता है कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार में पीयूष गोयल साहब, ये भी भैया दौरे पर गए। देखो दौरे पर कई लोग गए हैं, उधर राष्ट्रपति साहब नीदरलैंड गए हैं और पीयूष गोयल साहब कहां के दौरे पर? ऑस्ट्रेलिया। कहां गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कौन गए हैं? पीयूष गोयल। आप कमेंट करके ये बताओ पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे पीयूष गोयल किस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, है ना, एक ये पुस्तक आई है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक का विमोचन किसने किया, तो भैया भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने किया। बिरसा मुंडा जनजाति नायक का विमोचन किसने किया, तो किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान साहब। ये क्या है? शिक्षा मंत्री है। क्या है? शिक्षा मंत्री है। आपको पता है सीडीएस कौन बन गए हैं? मनोज मुकुंद। देखो आपने सुना होगा अभी हाल ही में क्या हुआ, सीडीएस बनाया गया, कौन? मनोज मुकुंद। ये भैया थल सेना के पहले क्या थे? प्रमुख थे। अब कौन, ये क्या हो गए? सीडीएस। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, है ना। बिपिन रावत का नाम सुने होंगे, इससे पहले भारत के पहले सीडीएस कौन होंगे? बिपिन रावत, जिनकी प्लेन क्रैश में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के स्थान पर कौन बने हैं? मनोज मुकुंद साहब। और ये भी 3 दिवसीय यात्रा में है, कहां गए हैं? सिंगापुर। तो 3 जन इनका बताया ना। देखो बिपिन रावत साहब की मृत्यु के बाद कौन बना है? मनोज मुकुंद बने हैं। और ये कहां गए हैं? सिंगापुर की यात्रा, है ना। पीयूष गोयल कहां है? ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है। और बात किया जाए ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कहां है? नीदरलैंड। तो तीनों लोग यात्रा पर है, तो आपको इनको भी याद रखना कहां कौन गया है। तो ये आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए थे भैया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें, अपनी राय जरूर बताते रहें। नदियों वाला चैप्टर भी देख लें, ठीक है ना। धन्यवाद।